भोजवास गांव के अंदर, भोजवास गांव के अंदर हम पहुंचे हुए हैं। यहां बाबा हेमादास गौशाला है, यहां पर हम पहुंचे हुए हैं और ये गौशाला काफ़ी सालों से चली हुई है। लगभग बताया जा रहा है कि ये 20-22 साल से गौशाला चली हुई है, बाबा हेमादास गौशाला के नाम से भोजवास में चली हुई है। लेकिन यहाँ पे बाबा हेमादास जो जी थे, यहाँ पे बहुत समय पहले यहाँ पे संत हुआ करते थे इसी भोजवास गांव के, ऐसा यहाँ पे यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं। और उनकी आज मूर्ति स्थापना यहाँ पे की जा रही है, मूर्ति स्थापना यहाँ पे बड़े ही धूमधाम तरीके से की जा रही है। अभी थोड़ी देर के बाद में यहाँ पे पहुँचने वाले हैं जो चीफ गेस्ट है, वो पहुँचने वाले हैं यहाँ पे, जो विक्रम जी हैं वो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे अभी इस मूर्ति का अनावरण करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। धर्मवीर जी हैं बेरी से, वो इस मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं, यहाँ पे स्थापित कर रहे हैं उस मूर्ति का। और इस मूर्ति की स्थापना जो कर रहे हैं वो उनसे धर्मवीर जी से बात करेंगे। इसके बाद आपको बताना चाहूँगा इस गौशाला की, मैं आपको थोड़ी सी कहानी बताना चाहूँगा कि 20-22 साल पहले करीबन यहाँ पे कार्य की शुरुआत हुई थी, कुछ गायों को लेकर के शुरुआत हुई थी, लेकिन धीरे धीरे कारोबार बढ़ता गया। आज यहाँ पे 2500 से 3000 के बीच गायें यहाँ पर हैं और बहुत ही बढ़िया सुचारू रूप से यहाँ पे इस गौशाला को चलाया जा रहा है। अभी चीफ गेस्ट भी हमारे साथ में यहाँ पे पहुँच रहे हैं, तो हम एक बार पूरा तरह से आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पे पूरी सुव्यवस्था। तो जैसा कि आपको बताया गया था कि यहाँ पर मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है, तो यहाँ पर बाबा हेमादास 1008 श्री 1008 बाबा हेमादास की मूर्ति का अनावरण यहाँ पे किया गया है। बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। यहाँ पे बहुत सारी भीड़ आप मेरे पीछे देख रहे हैं, बहुत सारे लोग उनको पुष्प अर्जित कर रहे हैं, पुष्प अर्पण कर रहे हैं। और बाबा हेमादास के जो गौशाला है यहाँ पे, उसके नाम पे जो यहाँ पे स्थापित आज से 22 साल पहले हुई थी, उसके यहाँ पे आज पहली बार मूर्ति यहाँ पे स्थापना की जा रही है, यहाँ पे की गई है, बहुत ही बढ़िया तरीके से की गई है। धर्मवीर जी हैं बेरी से, महेंद्रगढ़ जिला के बेरी गांव से, उन्होंने इस मूर्ति का यहाँ पे स्थापित उन्होंने किया है। तो ये चीज़ आप देख रहे हैं, उनसे अभी बात करवाएंगे धर्मवीर जी से। और जिन्होंने इस मूर्ति का यहाँ पर स्थापित किया है, वो व्यक्ति जो चीफ के रूप में यहाँ पर पहुँचे हैं वो हैं विक्रम जी, यहाँ पे हैं विक्रम, यहाँ पे पहुँचे हैं। तो विक्रम जी से हम आपकी बात करवाएंगे और तब तक आप हमारे साथ में बने रहेंगे। यहाँ पे आज के जो चीफ गेस्ट है वो जुड़े हुए हैं, विक्रम सिंह जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, फिलहाल सरपंच हैं और इनकी मिसिज पार्षद के रूप में रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर वार्ड नंबर 7 से यहाँ पर हैं।
तो सर जैसे कि आप यहाँ पे भोजावास में पहुँचे हैं, गौशाला का यहाँ पे आपने बाबा हेमादास की जो मूर्ति है उसकी स्थापना की है, उसका आपने उद्घाटन किया है, क्या कहना चाहेंगे आप? यही है कि जैसे गौशाला में हम पहले भी आते रहे हैं, पहले भी हम जो गौशाला में हमारा स्पेशल मतलब हो रहा है, और जिस तरह के भाई धर्मवीर ने बड़े आदमियों की मतलब पुण्य आदमियों के जिनके जिनके नाम पे गौशाला चल रही है उनके नाम चलते रहना चाहिए, और इस तरह का धार्मिक कार्य होते रहे, पब्लिक में भी एक उत्साह बना रहे। गौ पुराने हमारे सांस्कृतिक हिसाब से गाय का बहुत बड़ा महत्व है जी जी। तो हमें सब हमारा सभी का फर्ज बनता है कि हम आएँ और करें गौशाला में जितना ज़्यादा हो सके अपना 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 सहयोग और जो तो अभी हमारे साथ में जुड़े हुए थे विक्रम जी, और अभी बात कराते हैं आपके धर्मवीर जी से, जो यहाँ पे इस जिन्होंने इस मूर्ति का यहाँ पे स्थापना करवाई है, धर्मवीर जी से भी हम आपकी बात कराते हैं। ठीक है, तो बाबा हेमादास की जो मूर्ति की स्थापना यहाँ पे करवाई है, धर्मवीर जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। धर्मवीर जी जैसे कि सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। तो आपने जैसे कि क्या दिमाग में आया कि यहाँ पे आपने मूर्ति का यहाँ पे स्थापना कर? देखो ये कब से जुड़े हुए हैं? मैं यहाँ करीब 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ जी, और ये जो दोड़े पे बाबा हेमादास के दोड़े पे जो अब फिलहाल साधु है बाबा प्रेमदास महाराज जी, इनकी ये हार्दिक इच्छा थी कि बाबा हेमादास की यहाँ एक मूर्ति स्थापना हो, और 3 साल से ये प्रयासरत थे लेकिन कोई सज्जन आगे नहीं आया। मेरे को जैसे मालूम पड़ा तो बाबा के आशीर्वाद से मैंने हाँ करी और ये मूर्ति का काम करवाया, स्थापना करवाई। तो मूर्ति की स्थापना करवाई है, तो ये लगभग लगभग कितने दिनों से आप इस कार्य में मूर्ति की तैयारी करवा रहे थे, और अभी आगे क्या भविष्य में भी आपको ये काम करवाने जाने वाले? हाँ, ये फरवरी में हमारी बातें हुई थी, लेकिन भगवान को मंजूर होता है, जब परमात्मा की इच्छा हुई तो आज का मुहूर्त बना, और ये फरवरी से लेकर आज बाबा की इच्छा के अनुसार ये काम हुआ, और आगे भी जिस तरह गौशाला की जो भी रिक्वायरमेंट होगी परमात्मा की दया से जितना सहयोग होगा पूरा सहयोग करें, हर संभव सहयोग करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि हर व्यक्ति किसी न किसी रूप से इस गौशाला के अंदर किसी न किसी रूप में दान कर रहा है, कोई यहाँ पे टीन सेट लगवा रहा है, कोई यहाँ पे मूर्ति की स्थापना जैसे कि धर्मवीर जी ने करवाई, कई लोगों ने यहाँ पे मकान भी बनवाए हैं, बहुत सारे चारा की भी बहुत सुविधा है। एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि नरेंद्र जी जो यहाँ पे सचिव है फिलहाल, उन्होंने बताया कि 300 ट्रॉलियाँ हमने बिना पैसे के यहाँ पे एकत्रित करवाई है इस गौशाला के लिए, बहुत ही बढ़िया उन्होंने कार्य करवाया है। और उन्होंने नहीं, नरेंद्र जी ने, मैं तो कहता हूँ कि जो भी इस गौशाला से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति अपने किसी न किसी रूप में यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से सहयोग दे रहा है, और सभी को भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि अपनी जी जान से अगर वो इस गौशाला के अंदर लगे हुए हैं, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, तो हमारी भी दुआएँ उनके लिए, और आप हमारे साथ में जुड़े। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।